नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे हम अपने देसी भाषा में तपस्या कहते हैं, इसके आत्मिक लाभ क्या है। शारीरिक लाभों की तो अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस में काफ़ी गहराई में बात करी है, पर आत्मिक लाभ क्या है। देखो, जनरली बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और इस तरीके की चीज़ों की बातें होती है इस पर ये तपस्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो टॉपिक है, ये ऐसा है कि मैं खुद को इसके बारे में इतना खास, इतना ज़रूरी टॉपिक है हमारे ज़िंदगी के लिए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इसके आत्मिक लाभ की बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे ये फिटनेस का चैनल हो, पर मेरे को एक वीडियो में ये बात करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, हम कुछ वक्त के लिए खाना छोड़ते हैं और कुछ वक्त में खाना खाते हैं। हम उपवास कर सकते हैं जिसमें हम पूरे दिन नहीं खा रहे, हम एकाशना कर सकते हैं जिसमें हम एक दिन नहीं खा रहे, हो सकता है हम हफ्ते में दो दिन नहीं खाएं, हफ्ते में एक दिन नहीं खाएं, या दिन में 16-18 घंटे नहीं खाएं, 6 से 8 घंटे में खाना खाएं, कई तरीके की ऐसे होती है। ले लेकर के हम कुछ देर तक खाना नहीं खाते, ठीक है, तो हम खाने का त्याग करते हैं। हम खाने का त्याग करते हैं तो हमें इच्छा तो होती है खाने की, पर हम अपने आप को रोकते हैं, उस इच्छा को रोकते हैं। हम ये जो चीज़ करते हैं ना, जिसमें हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं, खुद को उससे दूर करते हैं, हमें उस चीज़ की इच्छा हो रही है, हम खुद पे मतलब अपनी विल पावर से, अपने मनोबल से हम उस चीज़ से खुद को दूर कर रहे हैं। इस चीज़ से हमें कई तरीके के फायदे, सिर्फ शरीर के नहीं, आत्मा के भी, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमें इससे क्या होता है, आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने लगते हो धीरे धीरे। इंद्रियाँ क्या है, चमड़ी, जीभ, नाक, आँख, कान, ये 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस अंग्रेजी में बोलते हैं, इन्हें आप धीरे धीरे अपने वश में करने लगते हो। कोई पूछे वश में करने लगते हो मतलब अगर कोई आदमी है तो कई लोग होते हैं जिनको बस खाने के लिए मतलब जीभ लबलबाती रहती है, कुछ खाने का बढ़िया दे दो, बर्गर दे दो, पिज्जा दे दो, चाउमीन दे दो, फ्राइड राइस दे दो, मंचूरियन दे दो, चटपटा दे दो, कोई किसी को मीठा दे दो, बस जीभ को स्वाद चाहिए उनको। उनका अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं है, जीभ पे नियंत्रण नहीं है, वश नहीं है, वो अपनी जीभ के गुलाम है। सच है, वो अपनी जीभ के कारण परेशान होते हैं, बीमारियां जीभ के कारण आ रही है। बहुत लोग खाते खा करके, बस कचरा खा खा करके बीमारियां ले लेते हैं, मोटा जाते हैं, सिर्फ क्यों, जीभ के स्वाद के लिए, जीभ की गुलामी के कारण बीमारियां नहीं है। वैसे ही चमड़ी के लिए, कई लोग चमड़ी का सुख चाहिए होता है, जिन जिन चीज़ों में तुम्हें स्पर्श का सुख मिलेगा ना, तुम्हें वो लोग उसके अधीन होते हैं। जैसे कई लोग को मसाज कराने का बहुत होता है, हम जाए तेल से हमारे आराम आराम से मसाज ले, कई लोगों को सुगंध का बहुत होता है कि बस हमें अच्छी सुगंध चाहिए, चाहे जहाँ बैठे हम अच्छी सुगंध चाहिए। कई लोगों को गानों के लिए बहुत लगता है, कानों में गाने, बस गाने चलते रहे, मधुर मधुर अच्छा लगता रहना चाहिए। कई लोगों को आंखों का सुख चाहिए, अच्छी दिखने वाली, प्यारी प्यारी दिखने वाली चीज़ें दिखती रहनी चाहिए। वो चाहते हैं तब भी खुद को रोक नहीं पाते उन चीज़ों से दूर करने के लिए, वो चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं परेशान भी कर देती है, क्योंकि आप किसी चीज़ के बिना रह नहीं पा रहे। वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप दुखी हो जाओगे, तो आप उस चीज़ के अधीन हो गए ना, उस चीज़ के गुलाम हो गए, आपकी इंद्रियां उसके अधीन हो गई, तो आप और आप इंद्रियों पे अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वश नहीं कर पा रहे, तो आप इंद्रियों के गुलाम हो गए। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, जब आप तपस्या करते हो, धीरे 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 आपका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होने लग जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि तुम बहुत खाउंड खुड़ंदे हो, बस खाना 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 खाना, जीभ का स्वाद, तुम अगर ऐसे इंसान हो और तुम्हें कहा जाए कि भाई अब से रोज तू सिर्फ 8 घंटे के अंदर खाएगा, 16 घंटे नहीं खाएगा, तुमने अपना मनोबल मजबूत किया, तुमने ऐसा किया, फिर तुम्हें धीरे 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 बढ़ा करके हमने ये कहा कि तुम हफ्ते में एक दिन का उपवास करोगे, एक दिन खाना नहीं खाओगे, तुमने मनोबल मजबूत रखा, तुमने ऐसा किया, 6 दिन खाते थे, एक दिन नहीं खाते, धीरे 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 2-4-5 उपवास करोगे, या कई दिनों तक तुम ऐसा करोगे कि 16 घंटे में खाना नहीं खा रहे, दिन में सिर्फ 8 घंटे में खाना खा रहे हो, ऐसा तुम कई दिन करोगे, कई उपवास करोगे, तो 4-5-8-10 उपवास करोगे, या ऐसा 15-20 दिन तक ये 16-8 घंटे वाला काम करोगे, तो तुम्हें अपने आप ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि अब मेरे को खाने की उतनी ललक नहीं होगी, कि अब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं खाना खाऊं, ऐसा नहीं लग रहा। जीभ का स्वाद मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, ये मैंने खुद के ऊपर भी करके देख रखा, और ऐसा है भी, शास्त्रों से आई हुई बातें, ये जो आत्मा से जुड़ी हुई बातें, ये सब विज्ञान से नहीं बता रहा मैं, शास्त्रों से आई हुई बातें, ये मैंने खुद के ऊपर भी करके देख रखा, मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा। तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार मेरे को आजकल इन चीज़ों की इच्छा नहीं हो रही। अब जब तुम्हें इच्छा नहीं हो रही तो तुम कचरा नहीं खाओगे, बीमारियां नहीं लाओगे, मोटे नहीं होगे, और तुम उस इच्छा के गुलाम नहीं हो, तुम अपनी जीभ के गुलाम नहीं हो। वो जीभ तुम्हें कोई और गोलगप्पे खा रहा था, तुम्हें देख रहा है गोलगप्पे, अरे यार गोलगप्पे, ये जो तुम्हें अंदर महसूस हो रहा है गोलगप्पे,
और तुम मन में सोच रहे हो मैं मोटा हूँ गोलगप्पे, मैं मोटा हूँ गोलगप्पे, ये जो फीलिंग है ये तुम्हें तड़पा रही है ना, तुम्हें परेशान कर रही है, कौन कर रहा है, तुम्हारी जीभ कर रही है, तुम्हें गोलगप्पे के लिए वैसे लगेगा ही नहीं, तुम ये क्यों सोचोगे गोलगप्पे गोलगप्पे, तुम नहीं सोचोगे, तुम सोचोगे मोटा हूँ मेरे को गोलगप्पे खाने की कोई जरूरत नहीं, मैं उल्टा सीधा खाऊंगा, मैं सही खाना खा के पतला हो जाऊंगा। ठीक है, इंद्रियां हमारे वश में होती है तपस्या करने से, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने, कोई भी तरीके की तपस्या करने से, इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम खाने से जुड़ी तपस्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम खाने से जुड़ी तपस्या की बात कर रहे हैं, कोई भी तरीके की तपस्या करने से, और भी तरीके की होती है जिसमें हम ध्यान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर अभी हम यहाँ पे खाने से जुड़ी की बात करें, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग खाने से जुड़ी हुई है, खाने से जुड़ी हुई तपस्या की बात करें, उनसे भी हमारी इंद्रिया वश में होती है, कोई भी तरीके की तपस्या से होती है, खाने से भी होती है, खाने की जुड़ी हुई तपस्या से। अब होते कषाय, कषाय होते हैं हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ, ये चार चीजें होती है जो कि आदमी को डुबाने में, मतलब उसका पतन करने में या उसको उठाने में इनका बहुत बड़ा काम है। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मतलब गुस्सा, मान मतलब अहंकार घमंड कि मैं हूं, माया छल कपट झूठ फरेब धोखा, लोभ लालसा, हाँ और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए और चाहिए और चाहिए, हाँ मसल और चाहिए, फैट और कम करना है, फैट और कम करना है, हाँ खाना, हाँ खाना और चाहिए, पैसा, हाँ पैसा और चाहिए, मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ठीक है, जमीन जायदाद और चाहिए, ऐसे ये चारों चीज़ें जितनी तुम्हारी कम होंगी उतना तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा, और उतना तुम असली जिंदगी में खुश रहोगे, उतना असली जिंदगी में तुम्हारा उत्थार होगा, सिर्फ आत्मा का नहीं, तुम्हारा एज अ पर्सन, एज ए इंसान, एक इंसान की तरह तुम्हारा उत्थार होगा। अब बात आती है कि ये चीजें हमें नुकसान कैसे दे रही है, ठीक है, मैं एकदम संक्षिप्त में छोटा सा बताऊंगा, गुस्सा करते हो क्या होता है, गुस्सा मैं साले को देख लूंगा, मारूंगा मैं इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके से गुस्सा करते हो क्या होता है, अपना खून जलाते हो, ये जो तुम गुस्सा कर रहे हो तो जो तुम्हें महसूस हो रहा है ये कोई सुखद अनुभूति नहीं है, ये दुख की अनुभूति है, ये कोई अच्छा नहीं है। तुम 24 घंटे गुस्सा करना पसंद करते हो, नहीं, लेकिन तुम 24 घंटे हा 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 खुश रहना पसंद करते हो, वो सुख की अनुभूति है, गुस्सा करना दुख की अनुभूति है, तुम दुख अनुभव कर रहे हो, ये तुम्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, तुम्हारे शरीर का नुकसान कर रहा है, तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारे शरीर में कई ऐसी चीज हो रही है जो तुम्हारा नुकसान कर रही है, गुस्सा करने से मसल टूटती है, मतलब कैटाबॉलिज्म होता है, खून जलता है, हमारे पूर्वज कह गए गुस्सा करने से खून जलता है, गुस्सा करने से तुम अपना नुकसान कर रहे हो, समझ आ गया, वो दुखद अनुभूति ले रहे हो तुम, गुस्सा करना कोई सुखद अनुभूति नहीं है। फिर आता है घमंड, घमंड करता है जो, उसको यूं लगता है मैं हूँ, उसको लगता है सब मेरी बात माने, मेरी इज्जत करें, मैं, उसको मन ही मन इस बात का डर रहता है कि मैं किसी को कुछ बोलूंगा वो नहीं मानेगा तो, या वापस मेरी बेइज्जती कर देगा तो, एक तो वो इस डर में जी रहा है, ये एक दुखद अनुभूति है। दूसरा वो इस मैं रहता है, जब तक उसकी मैं टूटती नहीं है तब तक तो वो खुश है, पर उसकी जैसे ही मैं टूटी, किसी ने उसे कुछ बोल दिया तो वो दुखी हो जाता है, गुस्सा आता है उसे, परेशान हो जाता है कि मेरी मैं को कैसे तोड़ दिया, मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, मैं मतलब वो अंदर ही अंदर छटपटाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ किसी ने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर घमंड है, मैं तो ये जो मैं रखने के कारण, मैं किसी की जिंदगी पर थोड़ी चलती है, किसी का घमंड जिंदगी पर थोड़ी चलता है, कोई उसका घमंड तोड़ देगा, कोई उसकी बात नहीं मानेगा उसका घमंड टूट जाएगा, उसका मजाक उड़ा देगा, बेइज्जती कर देगा, उसका घमंड टूट जाएगा, तो घमंड रखने के कारण हमें दुखद अनुभूति है, मेरे को कोई घमंड ही नहीं है, मेरे को कोई कुछ भी बोल रहा है कोई बात नहीं, मेरे को कोई अपने ऐसा है नहीं कि मैं ऊंचा हूं तू नीचा, ऐसा कुछ सोचता ही नहीं। छल कपट, किसी के साथ छल कपट जो करता है उसको सबसे ज्यादा तो मन में डर रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, धोखा दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन इससे ही बड़ी बात है, मतलब ये बात भी है और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप किसी साथ छल कपट कर रहे हो तो आपको ये बात तो पता ही है, कुदरत का नियम है, आपके माँ बाप ने भी आपको बताया होगा, धर्म में भी आपने सुना होगा कि किसी को धोखा दोगे, किसी साथ छल कपट करोगे तो तुम्हारे साथ वो वापस होएगा ही होएगा, किसी साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होएगा ही होएगा, और तुम्हारे साथ जो आज गलत हो रहा है वो तुमने कभी किसी साथ किया था तो ये घूम के तुम्हारे भी वापस आएगा, जब ये घूम के तुम्हारे साथ होएगा, जब तुम्हें फिर कोई धोखा देगा या तुम्हारे साथ कोई छल कपट करेगा तब तुम्हें जो दुख की अनुभूति होगी वो क्यों होगी, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ छल कपट किया था। चौथा लोभ, लालसा, किस चीज का और दे दो और दे दो और दे दो, इसमें यह है कि तुम लगातार किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है और नाम चाहिए और शोहरत चाहिए, किसी चीज के पीछे लगातार भागे जा रहे हो, तुम जब उसके पीछे भागे जा रहे हो तो तुम्हें कभी संतुष्टि का सुख ही नहीं है, तुम किसी चीज को पाना चाह रहे हो और वो तुम्हें कभी नहीं मिल रही, क्योंकि तो और पैसे का कोई अंत ही नहीं है और नाम और शोहरत का कोई अंत ही नहीं है, तुम बहुत सारी ले लोगे तब भी तुम्हें लगे और वो चीज कभी तुम्हारे हाथ ही नहीं आएगी, वो इनफाइनाइट है, वो एंडलेस है, वो कभी खत्म ही नहीं होगी,
वो जब कभी खत्म नहीं होगी तो तुम उसके पीछे भागते भागते ही जिंदगी निकाल लोगे। जो भागने का है और छे ये जो फीलिंग है, ये जो तुम्हें महसूस हो रही है, दुखद अनुभूति है, ठीक है। और जब तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी तो उसे नहीं मिलने का तुम्हें गम होएगा, वो एक और दुखद अनुभूति है। कोई चीज तुम्हारे पास होगी और वो चली जाएगी तो उसके जाने का तुम्हें गम होएगा, वो एक और दुखद अनुभूति है, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत मोह था, तुम्हें उससे उसका बहुत लालसा दिखे, मेरे पास रहे मेरे पैसे, मेरे पास रहे मेरे पास रहे, वो थोड़े से भी चल जाएंगे, कोई चोरी करके लेगा थोड़े से भी रुपए तो तुम दुखी हो जाओगे, ये तुम्हारे लोभ के कारण हुआ। तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगोगे, तुम्हारी क्रोध मान माया लोभ ये सब चीजें मंद होने लग जाएगी। तुम कुछ टाइम करोगे ना, कुछ बार करोगे, मान लो तुमने उपवास किया या दिन में 16 घंटे खाना नहीं खाना और 8 घंटे में खाना खाना तुमने प्रक्रिया चालू करी, तुमसे कुछ भी करके देखो, कोई भी तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखो, कोई भी तरीके की तपस्या करके देखो, तुम्हें कुछ बार में 3-4-5 बार में ही लगने लग जाएगा कि यार आजकल तुम्हें गुस्सा कम आ रहा है, तुम्हें आजकल घमंड वाली जो भावना कम हो गई, तुम विनम्र बन रहे हो, तुम छल कपट नहीं करना चाह रहे लोगों के साथ, तुम्हें लग रहा है कि यार ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा लोभ और चाहिए धीरे धीरे तुम्हारे वश में आ रहा है, तुम्हारे कंट्रोल में आ रहा है, तुम अपने आप पे ज्यादा नियंत्रण महसूस करोगे खुद का। इंटरमिटेंट फास्टिंग तपस्या करने से तुम्हारे कषाय, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों को मिला के कषाय कहते हैं, ये तुम्हारे मंद होने लगे, कम होने लग जाएंगे। इससे तुम्हारी आत्मा का बहुत उद्धार होगा। जब हमारी इंद्रिया हमारे वश में होती है और जब हमारे कषाय मंद होने लगते हैं तो हमारी आत्मा का उद्धार होने लगता है, ऊपर उठने लगती है। जिसके कषाय बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी आत्मा पे बहुत ज़्यादा कर्म बनते हैं, जिसके कषाय बहुत मंद होते हैं मतलब बहुत कम क्रोध मान माया लोग करते हैं, बहुत हल्का फुल्का, तो उसके आत्मा पे कर्म बहुत कम बनते हैं। अच्छा, अब पहले ये बात कर लेते हैं कि इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ। भाई क्रोध मान माया लोग में इन सब में तुम कहीं ना कहीं दुख पा रहे हो और काफी दुख पा रहे हो, अगर तुम ये नहीं करोगे या बहुत कम करोगे, मंद हो जाएंगे तुम्हारे क्रोध मान माया लोग, तो तुम खुद नहीं दुख पाओगे, ठीक है, और तुम दूसरों को नहीं दुख दोगे। क्रोध करोगे किसी और के ऊपर करोगे उसे दुख दोगे, घमंड करोगे तो दूसरों को नीचा दिखाओगे कि मैं ऊंचा हूं तू नीचा है, किसी और को नीचा दिखाओगे उसे तकलीफ होगी उसे दुख दोगे, किसी के साथ छल कपट करोगे तो किसी और के साथ करोगे उसे दुख दोगे, लोभ करोगे मुझे और चीज हो, तो हमने लोभ में लोग अंधे होकर के दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, अरे धन उसको नहीं लेने दूंगा मैं लूंगा, उसको बेचारे को गरीबों का धन खाने लग जाते हैं अपने लोभ में, लोभी दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें तुम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे खुद को भी, ये सब क्रोध मान माया लोभ में तुम जो इन कषायों में जो तुम खुद तकलीफ भोग रहे हो वो तो भोग ही रहे हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग तपस्या करने से तुम्हारे मन होंगे ना तुम दुख होगे ना दूसरे दुख होगे, ठीक है। और एक और बात, ये क्रोध मान माया लोग इन्हें जीतना मुश्किल है, और ये जिस क्रम में मैंने बोला है क्रोध मान माया लोग इसी क्रम में जीतना मुश्किल है, मतलब क्रोध को जीतना आसान है मान से, मान को जीतना आसान है माया से, माया को जीतना आसान है लोभ से, लोभ को जीतना सबसे मुश्किल है, ठीक है। लेकिन तपस्या से इंटरमिटेंट फास्टिंग से तुम धीरे 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 करके इन्हें जीत सकते हो, और थोड़ा सा करोगे ना 2-4-5 दिन ही करोगे या 8-10 दिन भी करोगे तो तुम्हें महसूस होने लग जाएगा कि तुम्हारे मन दो रहे, तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारे वश में आ रही है। इंद्रिया वश में करने से, अपने कषायों को मंद करने से तुम अपनी आत्मा पे कर्म बांधना बहुत कम कर दोगे, ठीक है। ये तुम्हारी आत्मा का उत्थार होगा, इससे आत्मा तुम्हारी ऊपर उठने लगेगी। और तपस्या करने से ये दोनों चीज होती है, इसके अलावा तुम्हारी आत्मा में जो पहले से कर्म बंधे हुए हैं जिनके कारण तुम दुख भोग रहे हो वो कर्म क्षय होने लग जाते हैं, तपस्या करने से तुम्हारे वो कर्म क्षय होने लगेंगे। ये तो हो गई यहां तक की बात, ठीक है। अब बात आती है तपस्या करने से तुम्हारे इंद्रिया वश में आएगी, कषाय मंद होंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन तपस्या करने से जो मैंने तीसरा बोला कि तुम्हारे कर्म क्षय होने लग जाएंगे, इसके लिए ऐसा माना गया है कि तुम्हें पचखांड लेने होते हैं, प्रत्याखांड लेने होते हैं, जिसे इंग्लिश में वो कह देते हैं, हिंदी में हम कसम कह देते हैं, सौगन खाना कह देते हैं, कसम खाना कह देते हैं, शायद मारवाड़ी में पचखांड कह देते हैं, प्रत्याखांड ले लोगे कि भाई हे भगवान मैं इस समय से इस समय के बीच में मैं कुछ नहीं खाऊंगा और फिर उसमें खाना भी नहीं है, या फिर इस समय से इस समय के बीच में मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा, उसमें खाना पीना कुछ भी नहीं है, ऐसा तुम भगवान को कहकर अपने मन में सोच करके लोगे तो तुम्हारे कर्म ज्यादा से होंगे, अगर तुम ऐसा करे बिना लेते हो तो तुम्हारे कर्म कम से होंगे, ये शास्त्रों से आई बात है मैंने तुम्हें। लेकिन तुम अगर ऐसे बचकर नहीं भी करो तो भी तुम्हारी इंद्रियां धीरे धीरे वश में आएगी, तुम्हारे कषाय मंद होंगे, ठीक है। कर्म क्षय करने हैं जो पहले से बंधे हुए हैं, नए नहीं बांधने, और पहले से बंधे हुए क्षय भी करने हैं तो उसके लिए ऐसे मन में भगवान का सोच करके कसम खाना चाहिए, नहीं खाओगे तो कम कम कर्म कम क्षय होंगे, वरना ज्यादा क्षय होंगे, हो सकता है कर्म क्षय ना हो,
ठीक है, मैं ये शास्त्रों से आई बात है, ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिटनेस का चैनल है, पर फिर भी मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी भी बनती है और इंटरमीडिएट फास्टिंग एक आम आदमी की जिंदगी के लिए इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मेरे को इसके बारे में इस चैनल पर बात करनी चाहिए फिटनेस का, इसलिए मैंने करी। लंबा है टॉपिक, बहुत बड़ा है, अलग टॉपिक है इस चैनल से, पर फिर भी मैंने करी। अगर इसके बारे में कभी डिटेल में बात करूँगा तो शायद किसी और चैनल पे कभी करेंगे तो करेंगे, पर अभी के लिए इतना मैं बताना चाहता था। अगर आपको और अगर आपको ये सब ठीक लगता है तो आप इसे लोगों के साथ में शेयर करो, मानो मेरी बात, और मेरे इंटरमीडिएट वाचिंग में जितने भी वीडियो हैं मैं कहूँगा उन्हें लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। हाँ, मैं अगर कोई पूछे कि मैं करता हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, हाँ मैं करता हूँ, मैं आमतौर पर 14-15 घंटे भूखा रह लेता हूँ, समझ लो शाम को अगर मैंने सूर्य अस्त से पहले खा लिया खाना तो अगले दिन मैं, जैसे सूर्यास्त अगर 7 बजे के आसपास होता है, 6:30-7 बजे, तो मैं अगले दिन 9:30-10 बजे के आसपास, या हो सकता है 11:30-11:12 भी बज जाते हैं, उस टाइम पर खाना खाता हूँ। और मेरी मतलब कोशिश है कि हफ्ते में एक दिन का मैं उपवास भी कर लूँ। मैं कुछ टाइम मतलब मैंने लगातार ऊपर में ऊपर 3 दिन तक किया हुआ है, 2 दिन तक भी लगातार किया हुआ है, एक एक दिन का कई बार किया हुआ है, और अभी तक मैंने ऐसा पूरा नहीं किया कि मैं हफ्ते में एक बार लगातार हर हफ्ते एक एक करूँ, पर मेरी कोशिश है कि हफ्ते में 1 या 2 मैं करूँ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, खास करके तुम्हारे, तुम अगर जवान हो तुम्हें भले ही दिक्कत ना महसूस हो रही, पर बड़ी उम्र वालों के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उनको उतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, उनको अपनी पाचन क्रिया को आराम देना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माँ बाप के साथ बांटो, अपने भाई बहनों के साथ बांटो, सबके साथ बांटो, बांटो और पुराने वीडियोज़ भी बांटो, सिर्फ ये नहीं है तो आत्मा का है, पुराने भी बांटो, ये भी बांटो और पुराने भी बांटो। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मुश्किल